आज हम बात करने वाले हैं एरिक रिमार की नॉवल और इसी टाइटल के साथ 2022 में रिलीज हुई जर्मन मूवी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के बारे में। ये नॉवल एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है, जहां पर राइटर एरिक रिमार्क ने वर्ल्ड वॉर वन के दौरान सोल्जर के द्वारा झेले गए ट्रॉमा और वॉर की भयानक साइड को अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के जरिए दिखाते हुए 1928 में इस नॉवल को लिखा था। सिर्फ 18 महीनों के अंदर ही ये नॉवल 22 भाषाओं में ट्रांसलेट हुई और उसकी 2.5 मिलियन कॉपीज बिकी। हालांकि बाद में नाजी जर्मनी ने इस नॉवल पर पाबंदी लगा दी। इसी नॉवल पर से पहली फिल्म सन 1930 में बनी, जिसे ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया। बाद में इसी टॉपिक पर 1979 में एक टीवी फिल्म भी बनी और अब इसी नॉवल पर बेस्ड जर्मन फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ऑस्कर सेरेमनी में 9 नॉमिनेशन के साथ तहलका मचा रही है। उन 9 नॉमिनेशन में से एक नॉमिनेशन बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का भी है, क्योंकि जर्मनी ने अपनी इस फिल्म को दबाए रखने के बजाय इसे अपने देश की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर प्रेजेंट किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आगे स्पॉयलर्स हो सकते हैं, इसलिए अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो पहले जाके इसे देख ले। अब अपनी वीडियो के मेन टॉपिक पर वापस आते हैं। अगर बात करें इस फिल्म की कहानी की तो बड़ी सीधी सी कहानी है। पॉल नाम का एक 17 साल का जर्मन लड़का होता है, जिसे लगता है कि अगर मुझे देश का हीरो बनना है तो मुझे आर्मी ज्वाइन करके बहुत बड़े कारनामे करने होंगे। उसके टीचर्स भी उसे वॉर में लड़ने के लिए और फ्रांस में जर्मनी का परचम लहराने के लिए इंस्पायर करते हैं। तो इसी सोच को अपने जहन में रखते हुए वो अपने 3 दोस्तों के साथ खुशी खुशी आर्मी ज्वाइन कर लेता है। लेकिन बाद में फ्रंट पर लड़ते लड़ते उसे ये एहसास होने लगता है कि वो देश की आन बान और शान के लिए नहीं, बल्कि जिंदा रहने के लिए लड़ रहा है। अगर वो नहीं मारेगा तो सामने वाला उसे मार डालेगा, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ मरना न पड़े इसी वजह से लड़ता है। फ्रंट पर अगर अपने साथी सोल्जर की डेथ हो जाती है तब बाकी के जिंदा सोल्जर के पास उसकी मौत का मातम मनाने की भी फुर्सत नहीं होती, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द आगे बढ़ना होता है। फिल्म की कहानी बड़े ही सिंपल तरीके से आगे बढ़ती है। ज्यादातर समय सोल्जर्स फ्रंट पर लड़ते रहते हैं और जब लड़ाई बंद हो या सीज फायर हो तब वो बैठे बैठे बोर होते हैं। अब फ्रंट पर ज्यादा कोई फैसिलिटीज तो होती नहीं, भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता। ऐसे में आसपास की गांव की किसी लड़की के दर्शन भी कभी कभार ही होते हैं। ऐसे में फौजियों का मन एक तरफ किसी भी पल किसी भी ओर से टपकने वाली मौत पर मंडराता रहता है, तो दूसरी ओर वो थोड़ी सी सहूलियत, कुछ बढ़िया से पकवान या किसी औरत से बात करने के लिए तरसते हैं। तो इसी बीच होता यह है कि उनकी जर्मन फौज जिस फ्रेंच इलाके पर कब्जा जमाए होती है, वहां की एक लड़की के साथ अपने हीरो पॉल के एक दोस्त को थोड़ा समय बिताने का मौका मिलता है। वो लड़की अपनी निशानी के तौर पर अपना स्कार्फ पॉल के दोस्त को देती है। बाद में फिर वही स्कार्फ मुसीबत का सबब बन जाता है। सभी फौजी उस स्कार्फ को चरस गांजे की तरह सूंघने लगते हैं। फिल्म के क्लाइमेक्स में एक जिंदा फौजी उसके मरे हुए साथी के गले से उस स्कार्फ को उतार कर अपने गले पर बांध देता है। इन शॉर्ट, वॉर फ्रंट का जीवन और उसकी फौजियों पर होती मेंटल इफेक्ट, यही है इस फिल्म का सेंट्रल थॉट। वैसे अब तक बहुत सारी एंटी वॉर फिल्म्स बन चुकी है, जैसे कि द ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई, एपोकैलिप्स नाउ, द थिन रेड लाइन, 1917, डनकर्क। लिस्ट आगे और भी है। इसी जॉनर में शामिल इस फिल्म में वॉर की रियलिटी पर ज्यादा फोकस किया गया है। फिल्म में एक बहुत लंबा सीन है जिसमें अपना जर्मन हीरो पॉल और उसकी दुश्मन सेना का एक फ्रेंच सोल्जर एक गड्ढे में आमने सामने आ जाते हैं। उनके आसपास और कोई भी नहीं है। दोनों एक दूसरे को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं। इसी बीच पॉल के हाथों उस फ्रेंच सोल्जर की गर्दन कट जाती है। बाद में वो कुछ मिनटों तक जिंदा रहता है और अपनी आखिरी सांसें गिनने लगता है। उसी वक्त अपना सख्त लौंडा पॉल पिघलने लगता है। उसे पछतावा होता है। वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। उसे पता है कि वो फ्रेंच अब बचने वाला नहीं है, फिर भी उसे पानी पिलाने की कोशिश करता है। आखिरकार जब वो मर जाता है तब पॉल उसकी माफी भी मांगता है। एक खास वार्निंग देना चाहता हूँ कि फिल्म में इतनी सारी जगहों पर कीचड़ दिखाया गया है कि फिल्म देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके दिमाग में कीचड़ भर गया हो, और यही फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है। फिल्म में म्यूजिक का इस्तेमाल बहुत ही कम किया गया है, लेकिन फिर भी फिल्म के बीच बीच में 2 या 3 सेकंड का म्यूजिक ट्रैक ऐसे बचता है जो ऑडियंस को लिटरली अपनी जगह पर फ्रीज कर दे। ये सारी बातें आप फिल्म देखने के बाद ही समझ पाएंगे। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, तो आप भी इस फिल्म को जरूर देखिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसकी वेट कर रहे हो यार, अभी सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए इंडर वुड्स।